श्लोक नहीं है, मेरा नाम फरहाना है और मेरे बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ दो सवाल हैं। एक वो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस विमेन कम्युनिटी में भी पैदा हो रहा और बहुत खुशी हुई। मेरे जो दो सवाल हैं वो ये हैं। पहला सवाल जो बहुत अहम है वो ये है कि अपोजिशन कम्युनिटी क्यों मुत्तहिद नहीं हो रही। पिछले एक साल से यूनाइटेड सिटीजन्स फोरम के हमारे यहाँ पर प्रेजेंट मौजूद हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ऑल इंडिया लेवल पे अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए, उसका कोई असर ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम ईवीएम के ऊपर क्या उसका सोल्यूशन है, हमारा रोल क्या होना चाहिए ईवीएम के ऊपर, कैसा हमको आवाज़ उठानी चाहिए, कैसा जो है ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर ईवीएम में मामला अटक गया। ये दो सवाल मेरे हैं। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो आपने कहा कि ये पार्टियाँ एकजुट क्यों नहीं हो रही हैं, ये पार्टियाँ एकजुट इतनी आसानी से हो जाती तो ये अलग अलग पार्टी क्यों होती, यही सवाल है ना। तो फिर जो है ये CPI और CPM क्यों है, ये कांग्रेस जो है 8 तरह का कांग्रेस क्यों बना हुआ है, आप देख लीजिए ममता बनर्जी की एक कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की एक कांग्रेस है, एक राहुल जी की कांग्रेस है, क्या पता इस कांग्रेस से फिर कोई एक कांग्रेस निकल जाए, इस कांग्रेस के अंदर फिर कई कांग्रेस है, हर राज्य में जो अलग अलग कांग्रेस है, ये जो रियलिटी है उसकी मुख्य वजह क्या है। मुख्य वजह यही है, एक बात मैं आपको ईमानदारी से बोल देता हूँ कि आज BJP यदि इस देश में काबिज हुई है तो वो BJP की काबिलियत नहीं है, ये हमारी नाकाबिलियत है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और हमारी नाकाबिलियत जो है उसको जब हम समझ जाएं तब उसका रास्ता भी निकल आता है। ये नाकाबिलियत इसलिए हुई कि पॉलिटिकल पार्टी ने जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। टेकन फॉर ग्रांटेड क्या होता है, जाएगी तो जाएंगे कहां, वोट हम ही को देंगे ना, कहां जाएंगे। तो जनता के सामने आज फिर से बॉल जो है उनके कोर्ट में है, जब तक वो एकजुट नहीं होंगे, अलग अलग फिरके के जो लोग हैं वो बैठ करके, आपको याद होगा पुराने जमाने में, पता नहीं आजकल यहां है कि नहीं है, हर थाने में एक पीस कमेटी हुआ करती थी और मुहर्रम का ताजिया कैसे निकले इसको हिंदू तय करते थे और दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की मूर्ति कैसे जाए इसको मुसलमान तय करते थे। ये मैंने देखा है, वो पीस कमेटियां खत्म हो गई। अगर आज हम समाज को फिर से पीस देना चाहते हैं और जो हमारे मुल्क के ऊपर हमला है उसको लेकर के यदि हमारे अंदर बेचैनी है तो हम लोगों को बैठना चाहिए और इत्मीनान से बैठ करके जनता को कैसे अलग अलग फिरकों को एक साथ लाया जा सकता है और जिनको हम भरोसा करते हैं उनके कंधे पे ये जिम्मेवारी दें कि अलग अलग पार्टी को आप मैसेज भेजिए कि आप एकजुट नहीं होइएगा हम लोग वोट ही नहीं देंगे, फिर जनता जो वो ऐसे ही जीत जाए। ये जब तक दबाव नहीं होगा ये आपस में एकजुट नहीं होंगे। ये आपस में एकजुट इसलिए नहीं होंगे कि जो पुराने मुख्यमंत्री हैं उनको अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है। इस वजह से क्या होता है कि पार्टी में जो बहुत दिन से पोस्टर लगा रहा है उसको लगता है कि साहब पहले बाप के लिए पोस्टर लगाया, बेटा के लिए पोस्टर लगाएं। इसको आप समझिए, ये जो दिक्कत है ये किसी एक पार्टी की दिक्कत नहीं है, ये हमारे तमाम सियासत दलों की दिक्कत है और इसको सिर्फ और सिर्फ जनता बदल सकती है। इसीलिए मैं किसी नेता के घर नहीं घूम रहा हूं कि अलायंस कर लीजिए, हम जनता के बीच में घूम रहे हैं। जनता जिस दिन संघर्षों में अलायंस कर ली ये अपने आप अलायंस कर लेंगे, ये वादा मैं आपसे करना चाहता हूं। और रही बात आपको ईवीएम की, तो एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, ईवीएम की जगह पे आप कुछ भी ले आइए, चुनाव में रिगिंग होता है, ये रियलिटी है। जब बैलेट बॉक्स था, DGP साहब बैठे हुए हैं पुराने, तब रिगिंग नहीं होता था, तब भी रिगिंग होता था, मत पेटी बदल दी जाती थी, उसमें जो है रोशनाई डाल दी जाती थी, स्याही डाल दिया जाता था, तब भी तो होता था ना। सवाल सिस्टम का नहीं है, सवाल लोगों के अवेयरनेस का है, उधार की बैसाखी से कैसे रेस जीतेंगे। ईवीएम के सहारे जो है हम ये लड़ाई जीतना चाहते हैं। सुबह उठ करके RSS जब हम लोग सोए रहते हैं, डंडा लेकर के
नफरत का बीज वो बो रहा होता है और उसको आप ईवीएम के सहारे जीतना चाहते हैं। ये वो लड़ाई ही नहीं है। ईवीएम को भी कौन बचाएगा? जब बूथ पे लोग खड़े मिलेंगे तब बचाएगा ना। बूथ पे तो पोलिंग एजेंट 500 रुपया देकर के बनाया जाता है, ये हकीकत है। 500 रुपया देकर के जब आप पोलिंग बूथ एजेंट बना रहे हैं तो 1000 रुपया अगर कोई दे दे तो ईवीएम सेट करने की क्या जरूरत है? वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही सेट कर लिया जाएगा। पैसे के इस खेल को आप समझिए। आप और हम सिर्फ एक तंत्र को दोष देकर के इस लड़ाई को लेकर के हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठ सकते हैं। जनता अगर एकजुट हो गई तो सिस्टम आप कोई भी ला दीजिए, वो सिस्टम सही तरीके से फंक्शन करेगा। आज रियलिटी ये है कि लोगों को वोट देने के लिए घर से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। ईवीएम तो बाद में आएगा ना, घर से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है और ये सच्चाई हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर पता हो भाजपा को कि इस मोहल्ले से हमको वोट नहीं आएगा, वो मोहल्ले के बाहर अपने लोग खड़ा कर देते हैं कि लोग बाहर ही नहीं निकले। ईवीएम का सेटिंग तो बाद की बात है। मैं कहता हूं ईवीएम में दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? जब कोई तमाम तरीके का यंत्र हैक किया जा सकता है, जब बड़े बड़े नेताओं का अकाउंट हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम भी हैक किया जा सकता है। लेकिन ये सोच करके कि ईवीएम ठीक हो जाए, ईवीएम टनाटन हो जाए तो देश टनाटन हो जाएगा, ये हमारी नासमझी है। जब तक जनता टनाटन नहीं होगी, आप ईवीएम के जगह कुछ भी ला दीजिए, वो टनाटन नहीं हो सकता है। और इस देश में एटीएम काट के ले जाता है तो ईवीएम की क्या औकात है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए आप किसी टेक्नोलॉजी और तंत्र पे बहाना बना करके हाथ पे हाथ धरे रह करके नहीं बैठ सकते हैं। तमाम फिरके के लोगों को, जब तक हिंदू घरों की महिलाएं मुसलमान के घरों में नहीं जाएंगी, तब उनको नहीं पता चलेगा कि हकीकत क्या है। आज हमारे बीच में इतना कंफ्यूजन फैला दिया गया है कि आपको सुन करके आश्चर्य होगा। और वो सारे लोग भोले हैं, वो इस बात को सच मान लिए हैं। 100 बार झूठ बोला गया, वो झूठ को ही सच मान लिए हैं। ये कहा जाता है, जैसे मैं एक बात बताता हूं, सिया जब खाते हैं तो उनके घर यदि कोई मेहमान आया हो तो खाने से पहले उसमें वो थूक देते हैं। और ये इतना मशहूर है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा कि तुम लोग खाने से पहले थूक देते हो क्या? बोला पागल हो क्या? हम बोले यही बताया गया है, और क्या क्या कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि हम लोग हाथ ऐसे धोते हैं, वो हाथ ऐसे धोते हैं। अब ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो इस्लामिक प्रैक्टिस है वो अरब से आया है। वहां पे जो होगा उसी के हिसाब से प्रैक्टिस होगा ना। वहां पे पानी कम थी तो लोग पानी बचाते थे, यहाँ पानी ज्यादा थी तो पानी उड़ाते थे, फर्क होता है ना। इस प्रैक्टिस के बारे में कितना कंफ्यूजन फैलाया जाता है और इस कंफ्यूजन को लोग सच मानते हैं। एक और कहानी, आप इंसान की बात कर रहे हैं, हमने कीड़ों मकोड़ों तक का हिंदू मुसलमान कर दिया है। कहते हैं कि मकरा जो है वो मुसलमान है, कहें कि क्योंकि वो जो है मुसलमान, पता नहीं पैगंबर के बारे में कहानी है किसके बारे में, उसको छुपा लिया था। और गिरगिट हिंदू है क्योंकि वो ऐसे गर्दन हिला के बता दिया था। ये हमने कर रखा है। ऐसे माहौल में हम ईवीएम को लेकर के चिंता कर रहे हैं। हमको अपनी आने वाली जनरेशन को लेकर के सोचना चाहिए कि इनके बारे में क्या क्या बोल दिया गया है। और यह बात इतनी बार बोली गई है कि लोग इसको सच मानते हैं। अब जो है, आप किसी मुसलमान के घर में खाने के लिए जाएं तो वो पहले ही कह देता है, जैसे फिल्म से पहले होता है ना डिस्क्लेमर कि इस कहानी की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, वैसे ही मुसलमान के घर में खाने जाइए तो वो कह देगा कि बड़े का मीट नहीं है। पर हम पूछे, पहले ही बता दिया जाता है। ये होता है कि नहीं होता है, हमको बताइए। और टेस्ट करता है, कोई अगर मुसलमान दोस्त हो और कोई हिंदू दोस्त के घर गया हो तो उसको जानबूझ करके बजरंग बली का प्रसाद देगा, ये देखने के लिए इसकी दोस्ती पक्की है कि नहीं है, कि बजरंग बली का प्रसाद खाता है कि नहीं खाता है। ये प्रैक्टिस है। और आप कहते हैं कि बीजेपी आ गई। अरे बीजेपी को हम लोग कालीन बिछा करके लाए हैं कि आजा आजा भाई आजा, तुम्हारा ही इंतजार है। एक बात हमको सोचिए, कितनी चालाकी से ये बात कही गई कि जिसका कोई नहीं होता है वो ईमानदार होता है। तो गब्बर सिंह का कौन था? गब्बर सिंह की शादी हुई थी, बाल बच्चा था, तो क्यों लुटेरा था वो? उंगली माल डाकू,
सच्ची कहानी। गब्बर सिंह कह दीजिएगा कि सिनेमा का बात है, उसमें भी ये निकाल के ये लोग ले आएगा कि कोई मुसलमान राइटर का है तो उसकी बात को नहीं मानेगा। तो अंगुली माल डाकू मैंने जिसका घर परिवार नहीं होता है वो ईमानदार होता है। तो हमारा माँ बाप हमको पैदा किया तो वो चोर हो गए। मैंने क्या समझदारी है ये, इस पे खेला जाता है। और आज क्या बोल रहा है, क्यों टीवी देखिए, मीडिया डायरेक्ट ये थोड़ी बोलेगी कि मोदी जी को ही वोट दो। उतना भी कुछ है, धंधा भी है क्या साहब, उसको बचाना भी होता है, टीआरपी भी है, तो डायरेक्ट कैसे बोलेगी। लेकिन जो इनडायरेक्ट बोलती है उसका क्या मतलब है, क्या क्या जरूरी है दिन रात हिंदू मुसलमान करने का। क्योंकि जनता में ये बात है, ठीक है 2 करोड़ नौकरी मिला नहीं मिला, 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को सबक सिखा दिए, क्या सबक सिखा दिए हैं मुसलमानों को, क्या सबक सिखा दिए, सिर्फ मुसलमानों को सबक सिखा दिए हैं, हिंदुओं को सबक नहीं सिखाए हैं। 12,000 जो किसान मरा है वो हिंदू नहीं है, ये सवाल को हमसे पूछ करके बताए। 5 लाख इंजीनियर एक साल पैदा होता है और जो है 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ, तो इंजीनियर का डिग्री लेकर के जो भटकने वाले लोग हैं ये हिंदू नहीं है। इस देश के भीतर मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले हिंदू धर्म के मूल्य कभी इतने खतरे में नहीं थे जितना आज हैं। क्या होता है हिंदू होने का मतलब, क्या कहते हैं राम के भक्त, ये कहते हैं अपने आप को, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। किसी औरत का पेट फाड़ करके उसके बच्चे को तलवार की नोक पे लहराना, ये हिंदू होना होता है। हिंदू का मतलब होता है बचाना, मारना नहीं होता है। मारने के लिए हमारे देवता बने हुए हैं, एक जो है जीवन देते हैं, एक पालते हैं। मारने के लिए जॉब अलग देवता को दिया गया है, इंसान को मारने का काम नहीं है, देवता मारेंगे। कर्मों का फल भगवान देते हैं, हम नहीं देते हैं। इसीलिए तो सोमनाथ मंदिर को जब लूटने के लिए आया तो वहां पे जो है मूर्तियां रख दिया, बोला कि भगवान पे तलवार चलेगी भगवान प्रकट होकर के मंदिर बचा लेंगे। यही तो मूल्य रहे हैं हमारे, हम मारे हैं आज तक किसी को। आप जो है उस जमाने में जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में एक भी हमला करने के हथियार नहीं पाए गए, सब रक्षा करने के हथियार पाए गए। तो हिंदू तो बचाने वाला होता है, मारने वाला हिंदू कब से हो गया। पूरे राम जी के जो अलग अलग फोटो हैं, आरएसएस को एक भी फोटो पसंद नहीं आया। फोटो कौन बनवाया, जो कान तक जो है धनुष का प्रत्यंचा खींचे हुए हैं राम जी, वो तस्वीर उन्होंने लगाई। और आजकल हनुमान जी का एक फोटो चल रहा है गुस्से में हनुमान जी, हम लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं गुस्से में हनुमान जी को। हनुमान जी इतना क्यूट देवता है, मुस्कुराते हुए नटखट से इधर से इस डाली से कूद करके उस डाली पे चले गए, गुस्से में हनुमान जी। ये क्यों किया जा रहा है, एक तरीके की हिंसा हमारे दिमाग पे थोपी जा रही है। और ये हिंसा किसके खिलाफ निकले, ये हिंसा इस देश के मुसलमानों के खिलाफ निकले, इस देश के महिलाओं के खिलाफ निकले, इस देश के दलितों के खिलाफ निकले, इस देश के गरीबों और किसानों के खिलाफ निकले। और इसका एक मानसिकता मैं आपको बताता हूं, जब आप स्कॉर्पियो पे बैठे होते हैं यूं हाथ चढ़ा करके शीशे पे, और बगल से कोई बाइक वाला जाए तो आप हिंसक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो ब्लडी पुअर पीपल, ये बर्डन है सोसाइटी के, उनको दिक्कत कन्हैया कुमार से थोड़ी है, कन्हैया कुमार के गरीब होने से दिक्कत है। कि गरीब होकर के घूम घूम करके भाषण दे रहा है, कैमरा सब यहाँ लेकर के खड़ा है, इसको हमारा कार साफ करना चाहिए सुबह में, हमारा प्लेट धोना चाहिए, ये हमारे खिलाफ बोल कैसे रहा है, इससे उनको चिढ़ होती है। उनको हमारे पढ़ने से दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है, उनको लगता है कि पीएचडी करने का अधिकार इस देश के गरीब को है ही नहीं। उनका बच्चा सब्सिडी पे अमेरिका में पढ़े तो बहुत अच्छा, और हम सब्सिडी में देश में पढ़ लें तब भी गुनाह है। इस मानसिकता को समझिए, इस मानसिकता से हम ईवीएम से लड़ लेंगे, ईवीएम से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई मैं बार बार कहता हूं, ये लड़ाई अशफाकउल्लाह खान के मूल्यों से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई गांधी के विचारों से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई कबीर के रास्ते पे चल करके लड़ा जाएगा, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों के रास्ते पे चल करके लड़ा जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। शुक्रिया।